بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون बुजुर्गान मोहतरम मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम तमाम तारीफ़ें और हर तरह की हमदो सना हर किस्म की बड़ाई और बुजुर्गी और मेरी और आप सभी हजरात और ख़वातीन की हर किस्म की इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दुल जलाल के लिए लायक और मुनासिब है जो हम सब का तन्हा खालिक है तन्हा मालिक है और तन्हा माबूद बरहक भी है। दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपना आखिरी नबी व रसूल बनाकर इस दुनिया में भेजा जिनकी तालीमात हर हाल में और हर मसले में हमारी और आपकी रहनुमाई करने वाली और जिनकी हिदायत मेरी और आपकी दुनिया को संवारने वाली
और जिनका लाया हुआ दीन मेरी और आपकी आखिरत की कामयाबी की जमानत है। हाजरी नजुमा, रमजानुल मुबारक का आखिरी आशरा शुरू हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे महीने को ही अय्याम मअदूदात कहा था कि गिने चुने चंद दिन है। अल्लाह का फजल करम है कि ये इन गिने चुने चंद दिनों में से भी हमने एक बड़ा वक्त गुजार लिया है और अब उंगलियों पे गिने जाने वाले चंद दिन सिर्फ बाकी रह गए हैं। 5 से 6 दिन हो सकता है हम और आपके इस रमजान के बाकी रह गए हों। इस्लामी शरीयत में हमेशा ये बात अहमियत की हामिल है कि किसी भी काम का आगाज जितना ज्यादा अच्छा हो इख्तिताम उससे कहीं ज्यादा अच्छा होना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात मरवी है, इन्नमल अमालु बिल खवातीम, आमाल का असल एतबार तो खातिमे के मुताबिक ही होता है। खातिमा बिल खैर हो तो सब बखैर है और खातिमा अगर अच्छा ना हो तो फिर पहले की मेहनत भी अल्लाह ना करे हो सकता है खातिर खा फायदा ना पहुंचा सके। इसलिए आज के इस खिताब में सबसे पहली बात जो मुझे आप हजरात और ख्वातीन को याद दिलानी है वो ये कि आप जिस आखिरी आशरे में दाखिल हो चुके हैं, इस आखिरी आशरे की जो मसनून इबादतें हैं, सुन्नत के मुताबिक जो इबादतें आपको सिखलाई बतलाई गई और बतलाई जाती हैं खुतबात के जरिए दुरूस के जरिए, उन सुन्नतों के मुताबिक अपने इस रमजान का इख्तिताम बखैर खूबी करने की हम और आप कोशिश करें। क्या पता अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर अब तक हमारे हक में मगफिरत का फैसला ना हुआ हो सकता है कि आखिरी दिनों की हमारी कोशिश हमारा बेड़ा पार लगा दे, अल्लाह तबारक व तआला की नजर करम हम पर हो जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान फरमाई थी कि वलिल्लाहि उतका मिनन नार वदालिका कुल लैला, कि रमजान की हर रात में अल्लाह ताला जहन्नम से आजादी के परवाने अता करते हैं। अब तक की रातों में अगर हमने हासिल नहीं किया है, क्या पता अल्लाह बेहतर जानता है, कोशिश तो हमने की होगी लेकिन अब तक ना हो तो कम अज कम बाकी रातों में इतना जोर लगाएं कि अब तो अल्लाह ताला के हम और आप पर करम हो जाए। इन रातों के अंदर शबे कदर भी आने वाली है, हो सकता है गुजर चुकी हो या हो सकता है आने वाली हो, अल्लाह बेहतर जानते। मेहनत करें, पूरी तवज्जो से इबादत करें, सुन्नतों के मुताबिक अपनी रातों को गुजारने की कोशिश करें। बेजा और बेकार की मसरूफियात में अपने वक्त को गुजारने के बजाय इन रातों को वाकई मानों में अपनी इबादतों से जिंदा रखने की कोशिश करें। अल्लामा इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अली ने एक बड़े पते की बात कही, वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का ये करम है कि अल्लाह तआला ने शबे कदर के बारे में बतला दिया कि यह रमजान में है और रमजान के आखिरी आशरे में, वरना यह रात इतनी फजीलत वाली है कि अगर अल्लाह ताला ने यह नहीं बताया होता कि साल की किस महीने के किन अय्याम या किन रातों में यह आने वाली है, इतनी फजीलत वाली रात है कि एक मुसलमान साल के 12 महीने की रातों में भी उसकी फजीलत को हासिल करने के लिए इबादत में लग जाता तब भी कोई खसारे का या घाटे का सौदा नहीं होता। इतनी अजीम रात के हुसूल के लिए बाकी मानदा जो दिन है इसमें जोर लगाइए और कोशिश कीजिए कि हमारे और आपका रमजान वो रमजान हो कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर वो रमजान आए और हम पर से गुजर जाए और हमारी मगफिरत का फैसला ना हो तो हमारी नाक खाक आलूद हो, वो रमजान हमारा और आपका ना बनने पाए, हमारा रमजान ऐसा रमजान बने कि जिसमें अल्लाह ताला हम सब की मगफिरत का फैसला फरमा दें। हाजिरीन गिरामी, एक तो ये बात मुझे आपके सामने पहले याद दिलानी थी, दूसरी बात हो सकता है यह माह रमजान का आखिरी जुमा हो या हो सकता है कि एक और जुमा अगर 29 के बजाय 30 का महीना नसीब हुआ तो फिर एक और जुमा का खुतबा हम और आपको सुनने को मिलेगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शायद अब की बार 30 रोजे नसीब फरमाए, हम उम्मीद करते हैं। हो सकता है आपके सामने उस खुतबे में ईद से मुतालिक तफसीली अहकाम आएंगे, लेकिन मैं पहले ही ये बात याद दिला देना चाहता हूं कि ईद सिर्फ हमारी खुशी नहीं है, हमारी खुशी से पहले हमारी इबादत है।
हमारी ईद हमारी इबादत भी हो, हमारी ईद हमारी खुशी भी हो। इबादत का यह माना नहीं कि आप जायज खुशियों को छोड़ दें, और खुशी का यह मतलब नहीं कि आप उसे इबादत भूल कर, इबादत की हैसियत भुलाकर मनमाने तरीके से ईद करने पे आ जाएं। सुन्नतें क्या हैं ईद की, ईद के दिन की सुन्नतें क्या हैं, ईद के दिन के अहकाम और मसाइल क्या हैं, ये मसाइल पहले ही से सीख कर जान कर उनके मुताबिक अपनी ईद मनाने की कोशिश करें, ताकि हमारी खुशी दोहरी खुशी हो। एक तो हमारी महसूस की जाने वाली खुशी ईद की खुशी, और दूसरी खुशी ये कि ये ईद भी हमने मनाई तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मनाई, जिसमें हमें खुशी भी मिली और अल्लाह ताला के पास अजर पाने की दोहरी खुशी भी हम और आपको हासिल हो जाए। अज़ीज़े गिरामी, ये दो बातें याद दिलाने के बाद आज दरअसल एक बड़े ही अहम मौजू पर मुझे आपके सामने कुछ बुनियादी बातें असल में रखनी हैं। वो मौजू क्या है, माह रमजान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इबादतें थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इबादतें अंजाम देते थे, आपने सुना होगा खुतबात में, वो अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने की इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब माल खर्च किया करते थे। वो हवा जिससे फसलें लहलहाती हैं, वो हवा जो खैर के साथ चलती है और हर जगह खैर खूबी लाती है, उससे दुनिया को जितना फायदा पहुंचता, साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत से मदीने वाले या आपके मुआशरे के लोगों का उससे कहीं ज्यादा फायदा हुआ करता। इतना माल अल्लाह ताला की राह में दिया करते थे। अल्लाह का फजल व करम है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत की पैरवी करते हुए हम और आप भी इस महीने के अंदर सदका तो खैरात करते हैं। बहुत सारे हजरात इसी महीने में जकात भी अदा करते हैं, हालांकि जकात का इस महीने से कोई खास ताल्लुक नहीं। जकात आपके माल पर जब एक साल मुकम्मल हो जाए तो उसमें आपको जकात देनी है, फसल जब पैदा होगी उसमें जकात आपको निकालनी है। लेकिन अक्सर व बेशतर लोग रमजान में हिसाबों किताब की आसानी के लिए इसी महीने में अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं। भाइयों, आज आपके सामने मैं इसी खर्च के हवाले से कुछ जरूरी बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि ये माल का खर्च करना ये भी हमारी एक इबादत है, ये हमारी माली इबादत है। हमारा रोजा, हमारी नमाज, ये हमारी बदनी इबादतें हैं। तो खर्च करना, चाहे जकात की शक्ल में, सदका तो खैरात की शक्ल में, या फिर किसी भी और शक्ल में जो हम खर्च करते हैं, ये हमारी अपनी इबादत है। और इबादत को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक अंजाम देना ही असल में मेरा और आपका कमाल है। अल्लाह की राह में खर्च करते हुए कुछ आदाब हैं, कुछ अहकाम हैं, जिनका मुझको और आपको ख्याल रखना चाहिए। अक्सर व बेशतर हम और आप इन तालीमात को नजरअंदाज कर देते। हम खर्च करते जरूर हैं, अल्लाह की राह में माल देते जरूर हैं, लेकिन इस्लामी शरीयत ने जिन हिदायत का मुझको और आपको पाबंद किया है, खर्च करने के, अल्लाह की राह में माल सर्व करने के जो आदाब हैं, बड़े अहम आदाब हैं, इन आदाब की तरफ से हमारी और आपकी गफलत होती है। आज आपके सामने मैं इन्हीं में से चंद आदाब की बात आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि हम और आप इन आदाब का अपनी हमेशा जिंदगी के हर मौके पर ख्याल पाबंदी भी करें और इनका ख्याल भी रख सकें। भाइयों, माल अल्लाह ताला की राह में हम जो खर्च करते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की इंतहाई पसंदीदा तरीन इबादतों में से एक इबादत है। इसलिए कि ये माल एक ऐसी चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी से आदमी को फेर देता है। बंदगी से गाफिल करने वाली जो चीजें दुनिया के अंदर हैं, उनमें माल एक बहुत बड़ी चीज है जो एक इंसान को अल्लाह ताला की बंदगी से गाफिल कर देता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने अब्दुद्दीनारी व दिरहम कहा कि वो आदमी जो माल का लालची होता है, माल की मोहब्बत में डूबा हुआ होता है, उसे दीनार और दिरहम का गुलाम कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी ने यह कहा कि हर उम्मत का एक फितना होता है, वह फितना तो उम्मती अलमाल, मेरी उम्मत का फितना माल है, अल्लाह के नबी ने कहा। इसीलिए जब एक बंदा अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करता है, अल्लाह ताला को बंदे की यह इबादत बे इंतहा पसंद है। इसलिए कि जो चीज अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल करती है, बंदा उसी की कुर्बानी देकर गोए अल्लाह ताला के सामने अमली सबूत देता है, कह रब्बे ज़ुल जलाल, ये माल तेरा दिया हुआ है,
मैं तेरी इबादत ही में इसे इस्तेमाल करूंगा, कभी इस माल को तेरी इबादत की राह में रुकावट बनने नहीं दूंगा। ये अल्लाह तबारक व तआला को बे इंतहा पसंद है। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात बयान फरमाई कि जो माल अल्लाह ताला की राह में खर्च किया जाता है इसकी बड़ी फजीलतें। अल्लाह ने फरमाया مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، بات چاہے زکات کی ہو یا عام صدقات و خیرات کی ہو یا واجبی نفقات کے ہوں جن کا میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے، کوئی بھی مال جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بندہ لگاتا ہے، اللہ نے مثال دے کر بیان فرمایا کہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس مال کی مثال ایک دانے کی، آپ کا ایک روپیہ، ایک دانہ، ایک درہم، ایک دانہ ہے سمجھیے، ایک ایسا دانہ جو سات خوشے اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر خوشے میں سو دانے ہوتے، گویا ایک دانہ سو دانے میں بدل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کا مال بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی قبول کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دانہ دیا، اللہ تعالیٰ اسے سات سو دانے بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ جس کو بڑھا کر دینا چاہے سات سو سے آگے بھی اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اللہ کی راہ میں کیا جانے والا، خرچ کیا جانے والا مال اس قدر زیادہ محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بڑا چڑھا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی مثال دے کر کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر کھجور کا دانہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے تم اپنے گھر میں اپنے گھوڑے کے بچے کو کھلا پلا کر بڑا کرتے جاتے ہو، یہاں تک کہ وہ صحت مند جوان گھوڑا بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے دیے ہوئے کھجور کے ایک دانے کو، ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ بڑا کرتے جاتے ہیں، بڑا کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آدم کا بیٹا جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے، انسان اللہ کے سامنے پہنچتا ہے، وہ ایک کھجور بڑے ایک پہاڑ کی شکل میں اللہ تعالیٰ واپس لوٹاتے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کی جانے والی اس مالی عبادت کی اہمیت کو آپ سمجھیے۔ آپ کا مال جو بھی ہے وہ مال اللہ تعالیٰ کی انتہائی پسندیدہ ترین عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بدلہ بھی بے حد و حساب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ بندے کے دل کی کیفیت، بندے کے خرچ کرنے کا جو انداز ہے اور بندہ جس اہتمام کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے جاتے ہیں۔ بھائیو جب اتنی عظیم عبادت ہے، یہ عبادت اس قدر زیادہ عظیم ہے، تب پھر مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں اسلامی شریعت کے سکھائے ہوئے آداب مجھ کو اور آپ کو یاد رہنے چاہیے اور ان کی پابندی ہم اور آپ ضرور کریں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات جو مجھ کو اور آپ کو سیکھنی اور جاننی چاہیے وہ یہ کہ ہم یہ معلوم کریں کہ ہمارا مال سب سے پہلے کہاں خرچ ہونا چاہیے، ہمارا مال سب سے پہلے کہاں لگنا چاہیے، سب سے پہلے میرا اور آپ کے مال کی جگہ کون سی ہے۔ اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ سب سے پہلے جن پہ مال خرچ کرنا تم پر واجب ہے اور جس خرچ پر اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب بھی عطا فرمائیں گے وہ تمہاری اپنی ذات ہے، تمہاری اپنی بیوی ہے اور تمہاری اپنی اولاد ہے۔ یہ تین بنیادی طبقے، ایک تمہارا نفس، تمہاری اپنی ذات، دوسرے نمبر پر تمہاری اپنی اولاد، اور تیسرے نمبر پر تمہاری اپنی بیوی، ان تینوں پر مال خرچ کرنا تم پر واجب ہے، ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے لباس، ان کے کھانے پینے کی ضرورتوں کا پورا انتظام کرنا تم پر فرض ہے، اور ان کے ساتھ اگر کچھ اور ذمہ داریاں آپ کے سر پر ہیں، بطور مثال آپ کے والدین اگر آپ کی ذمہ داری میں آ گئے ہیں کبر سنی، بڑی درازی عمر کی وجہ سے، عمر کی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی ذمہ داری میں آ گئے ہیں، یا آپ کا کوئی چھوٹا بھائی بہن والدین کے نہ ہونے یا کمزور ہونے کی وجہ سے آپ کی ذمہ داری میں آ گیا ہے، یا پھر ایسی بہنیں جو بیوہ ہو گئی ہیں، بے سہارا ہو چکی ہیں، ان کا کوئی اور پرسان حال نہیں تو آپ پر ان کی ذمہ داری آ گئی ہے، یہ وہ اخراجات ہیں جن پہ سب سے پہلے آپ کو اور مجھ کو اور اپنا مال لگانا چاہیے۔ عام طور پر یہ تصور لوگوں کے پاس ہے، وہ سمجھتے ہیں اپنے گھر اور اپنے خاندان پہ خرچ کرنا یہ دوسرے نمبر کا کام ہے، پہلا نمبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں مسجدوں میں خرچ کیا جائے،
समझा जाता है मदरसों को दिया जाए, नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला बड़े वाज़ह अल्फाज में बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दीनार अनफक्तहु फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के नबी ने गिनाए कई किस्म के दीनार। एक वो दीनार जो अल्लाह के राह में जिहाद के लिए तुम खर्च करते हो, एक वो दीनार जो किसी मिस्कीन को सदके में देते हो, एक वो दीनार जो तुम अपने घर वालों पे खर्च करते हो। गिनाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और फिर अल्लाह के नबी ने कहा, अअज़मुहा अज्रा, इन तमाम दीनारों में सबसे ज्यादा अज्र वाला अगर कोई दीनार है तो वो दीनार जो तुमने अपने घर वालों पर खर्च किया। भाइयों, इस सोच को बदलने की जरूरत है। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम और आप अपने अखराजात के सिलसिले में कभी अपने घर वालों पर तंगी ना करें। उनकी जायज ख्वाहिशात जो इस्लामी शरीयत से न टकराती हो उसके मुताबिक उन पर खर्च करना इस्लामी शरीयत मुझको और आपको हुक्म देती। और जैसे मैंने कहा, इसमें औलाद भी है, इसमें आपकी बीवी भी है, और उनके साथ साथ जो आपकी जिम्मेदारी में है सब पे खर्च करें। बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे हजरात ये सवाल करते हैं, मेरी बहन बेवा हो गई है, क्या मैं उसे अपनी ज़कात दे सकता हूं? मेरे वालिदैन कमजोर हो चुके हैं, क्या मैं उनको अपनी ज़कात दे सकता हूं? अल्लाह के बंदो, वो जो तुम्हारी जिम्मेदारी में आ गए हैं उन्हें जकात का माल नहीं, अपना जायज माल, अपना बुनियादी माल खिलाओ। जो तुम खाओगे वो भी तुम्हें सवाब दिलाएगा, जो इनको खिलाओगे उस पर भी सवाब। अल्लाह ताला के पास इन पर खर्च करना ये कोई जाये करना नहीं है। जो भी तुम्हारी जिम्मेदारी में आ गए हैं, जो भी तुम्हारी अपनी मसूलियत और जिम्मेदारी में आ चुके हैं, इन पर खर्च करने को सबसे पहले मुकदम रखो, और उसके बाद वाजिब और जरूरी जो खर्च है दूसरे नंबर पर जो खर्च आता है वो है अल्लाह ताला की राह में जकात अदा करना। आपको तो मालूम है जकात गिने चुने चंद मखसूस किस्म के मालों में है और उसके एक निसाब मुतय्यन है। निसाब के मुताबिक माल के अंदर जकात वाजिब होती है और उसी हिसाब से जकात आपको अदा करनी। ये वाजिब अखराजात हैं जो मुझको और आपको अपने अपने घर बार में करने चाहिए। इससे हटकर बाकी जितने नेकी के रास्ते, बाकी जितने नेकी के रास्ते हैं, जैसे अल्लाह ताला के घरों को तामीर करना, मदरसों को आबाद करना, उनकी तालीमी तरक्की के लिए कोशिश करना, या फिर पड़ोस अड़ोस में मौजूद हमारे अपनी बेवा बहनें, बेवा ख्वातीन, हमारे अपने समाज के यतीम बच्चे, हमारे अपने माहौल के अंदर पाए जाने वाली जरूरतें, दीगर सारे मसाइल, और वो साइल, वो मांगने वाला जो आपके दरवाजे तक आता है, और इसी तरह समाज के वो जरूरतमंद लोग जो लोग आपके दरवाजे तक नहीं आते लेकिन वो अपनी जगह पे जरूरतमंद है, लोगों से आगे बढ़कर हाथ फैला कर नहीं मांगते, इनको तलाश कर करके इन लोगों पे माल खर्च करना, ये दूसरी, ये इन दो फराइज के बाद तीसरे नंबर पर ये आता है। और अक्सर हालात में आम मुसलमान पर इन जगहों पे खर्च करना सुन्नत है, मुस्तहब है, इल्ला कि आपकी के पास माल है और वो जरूरतमंद है, उसकी जरूरत सिर्फ आप ही से पूरी हो सकती है, तब फिर आप पर जरूरी होगा कि उस मुसलमान भाई की मदद करे, वरना आम मुसलमानों के लिए इन तमाम मुकामात पे खर्च करना सुन्नत के दायरे में होगा। हाजीन गिरामी, ये तरतीब इस्लामी शरीयत ने जो दी है इसको जहन में रखकर अगर हम अपने घरानों और अपने खानदान से बिस्मिल्लाह करेंगे, यकीन माने ये हमारे समाज के अंदर महरूम लोगों की जो फहरिस्त है वो घटती चली जाएगी। अपने खानदान कबीले की तरफ से मेहनत शुरू करेंगे, मेरा और आपका खानदान कबीला बड़ी आसानी के साथ अपने मसाइल से बाहर निकल आएगा। ये सबसे पहली बात है जो मुझको और आपको खर्च करने के सिलसिले में याद रखनी चाहिए। दूसरी बात जो आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च करने वाले को कुछ आदाब जो सिखाए उनमें से यह भी एक अदब है कि खैरु सदकती मा काना अन ज़हरि ग़िना, सबसे बेहतरीन सदका वो होता है जो खुद बेनियाज होने के बाद अल्लाह ताला की राह में दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस का मतलब ये, आदमी खर्च करते हुए इसका हिसाब रखे कि खुद बेनियाज होकर फिर अल्लाह ताला की राह में खर्च करे। ऐसा ना होने पाए कि आदमी जोश में आके सब खर्च कर दे और कल वो खुद जरूरतमंद होकर लोगों के सामने जाकर परेशान होकर खड़ा रहे। इस्लाम आपको इसकी तालीम नहीं देता। हां ये जरूर है, अगर आपका ईमान हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा है या आपका ईमान हजरत उमर जैसा ईमान है, यानी इतना पक्का ईमान है कि आप पूरा माल भी अल्लाह ताला की राह में खर्च कर देते हैं और जिंदगी में कभी अल्लाह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, सब खर्च कर देते हैं लेकिन अपने घर वालों को मोहताज नहीं बनने देते हैं,
तब फिर इस्लामी शरीयत आपको इजाजत देती है कि आप चाहें तो पूरा माल भी खर्च करें, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके घर वाले फिर मोहताज ना रहें, खुद आप उसके लिए मोहताज होकर दूसरों तक ना जाएं, बल्कि आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद अल्लाह ताला की राह में खर्च करें। अल्लाह तबारक अल्लाह के नबी ने कहा यह सदका सबसे बेहतर सदका है जो खुद बेनियाज होकर किया जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला ने मोमिनों की यह सिफत बयान फरमाई का वल्लदीन इदा अनफकु लम युसरिफु वलम यक्तुरु वकान बैन ज़ालिका क़वामा। मोमिन वो होते कि जब अल्लाह ताला की राह में खर्च करते न हद से ज्यादा खर्च करते हैं, मतलब यह कि खुद मोहताज हो जाए, इतना भी नहीं खर्च करते और न ही इतनी बखीली करते हैं कि अपनी जरूरत के बाद भी माल बचाकर ऐसे रखते हैं कि सामने जरूरत पर मोहताज रहे लेकिन फिर भी ये खर्च ना करें। नहीं, वह खाना बई नजाली का कवामा, वो इसराफ और बखीली के दरमियान एक इतदाल की राह पर कायम रहते हैं। यह बात अल्लाह ताला ने मोमिनों की सिफत के तौर पर बयान फरमाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह ताकीद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नका अन तदअ वरसतका अग्निया खैरुन लहुम मिन अन तत्रकहुम आलतन यतकफफून अन्नास। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपना माल अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च कर दो या फिर किसी और जरिए से जाये कर दो या कुछ और करो, लेकिन तुम अपने वारसा को मोहताज बनाकर छोड़ो कि वो लोगों के पास जाकर मांगते फिरें, उससे ज्यादा बेहतर यह है कि तुम अपना माल अपने वरासा के लिए छोड़ कर जाओ। क्या मतलब है इसका भाइयों? ये आदाब मैं सुना रहा हूं आपके सामने इसलिए कि हमारे अपने समाज में कुछ ऐसे तसर्रुफात देखने में आते हैं जिन पर बड़ा ताज्जुब होता है। कितने ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि अपनी औलाद के लिए अगर माल छोड़कर नहीं जाएंगे, उसके बजाय अल्लाह ताला की राह में कोई मस्जिद क्या कोई मदरसा तामीर करके चले जाएंगे, वो सदका जारिया बनेगा। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सबक सिखाया, आपकी जरूरत के बाद अगर आप अपनी औलाद को बेनियाज छोड़कर जाएं कि वो किसी के सामने हाथ फैलाने के काबिल ना बन जाए, उनको बेनियाज करके जाएं, ये बात अच्छी है, ये बात बेहतर है उनको मोहताज बनाकर छोड़कर जाने के मुकाबले। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाकिया और बड़ा अहम वाकिया, इसमें दो बड़ी अहम तालीमात मुझको और आपको मिलती हैं। हजरत साद इब्न अबी वक्कास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि लोगों को यकीन हो गया अब ये जिएंगे नहीं, शायद मौत शायद इनको आने ही वाली है, खुद उनको ऐसे एहसास होने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए तशरीफ लाए, हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने अल्लाह के नबी से कहा अल्लाह के नबी आप देख रहे हैं मेरी हालत क्या है, हो सकता है मेरी मौत आ जाए और मेरे वरासा में सिर्फ मेरी एक बेटी है और मैं बड़ा मालदार आदमी हूं। अल्लाह के नबी क्या मैं एक काम करूं कि मेरे अपने माल का दो तिहाई हिस्सा, टू थर्ड, दो तिहाई हिस्सा मैं वसीयत में लिख दूं या अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदका करने की वसीयत कर दूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं। हजरत साद ने कहा अल्लाह के नबी आधा माल लिख दूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद ने कहा अल्लाह के नबी ठीक है वन थर्ड, एक सुलूस कर दूं? अल्लाह के नबी ने कहा कि असुलुस, ठीक है एक सुलूस चाहो तो वसीयत कर सकते हो, वन थर्ड माल में वसीयत कर सकते हो, वसुलुस कसीर और कबीर। हकीकत तो यह है कि एक तिहाई माल भी इस तरह वसीयत में लिख देना यह बहुत ज्यादा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत के मुताबिक हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने एक सुलूस की वसीयत फरमाई। अब उसके बाद देखें अल्लाह ताला ने क्या किया। एक तो यहां बात समझने पहले फिर अगली बात बताता हूं, यही बात समझ में आई। हजरत साद इब्न अबी वक्कास अपने माल का हिस्सा अपनी बेटी को देने के बाद भी बकिया माल अल्लाह की राह में दे देना चाहते हैं, वसीयत कर देना चाहते हैं कि ये नेकी के कामों में लगा दिया जाए, लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं इंतकाल करने वाले आदमी को आप अगर वसीयत करनी है ज्यादा से ज्यादा एक तिहाई हिस्से में ही वसीयत कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, अगरचे तुम समझते हो कि मेरे वारिसीन में कोई मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी शासन ने यह अदब सिखाया कि अपने वरसा को बेनियाज छोड़ कर जाओ, यह ज्यादा बेहतर है कि तुम अपने माल सारा का सारा अपनी जिंदगी में खत्म करके चले जाओ, इसके मुकाबले में अपने वरसा को बेनियाज छोड़ कर जाना यह ज्यादा अच्छी बात है, एक बात। और दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नसीहत से यह समझ में आई, साद इब्न अबी वक्कास को लग रहा था कि अभी मैं इंतकाल कर जाऊंगा और वो चाह रहे थे सारा माल एक तरह से अल्लाह की राह में लगा दे, दो तिहाई माल लगा दे। अल्लाह के नबी ने मना किया और अल्लाह के नबी के मना करने का हजरत साद को यह फायदा हुआ
कि वो उस बीमारी में इंतकाल नहीं की। अल्लाह ताला ने शिफा दे दी, सेहतमंद हो गए, उसके बाद एक लंबी उम्र पाई और कुल 18 लड़के और 18 लड़कियां अल्लाह ताला ने हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को अता फरमाई। अगर वो माल वो पहले ही सब खर्च कर चुके होते, क्या पता हो सकता है बाद में होने वाले ये 18 और 18 पूरे 36 बच्चों का मामला क्या होता। इस्लाम हम और आपको यही सिखाता है कि अपने माल के सिलसिले में इन उसूल और आदाब का लिहाज रख के खर्च करना सीखो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत का फायदा यह हुआ कि हजरत साद इब्ने अबी वक्कास अपनी पूरी जिंदगी इतनी औलाद कसीरुल अयाल होने के बावजूद बड़ी खुश, बड़ी अच्छी जिंदगी और बड़ी खुशहाली की हालत में जिंदगी हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गिनाई। भाइयों, ये एक अहम तालीम है कि माल खर्च करने के सिलसिले में हम और आप खुद को बेनियाज रखकर लोगों पर खर्च करें। ऐसा ना हो कि आज हमने खर्च कर दिया, कल अपनी जरूरत के लिए दूसरों के सामने हाथ फैला रहे। एक और तालीम आपके सामने अल्लाह के नबी की गिनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, वद्दअ बिमन तऊल, जब खर्च करना ही है, नफिल भी करना है, वाजिब सदके के बाद, वाजिब अखराजात के बाद नफिल भी अगर खर्च करना है तो जिनकी कफालत तुम करते हो सबसे पहले उनको दिया करो, सबसे पहले उनको दिया करो। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक और हदीस में अदब सिखाया हम और आपको, कहा कि अस्सदकतु अलल करीब सदकतुन वसिला, अगर करीबी रिश्तेदारों को माल दोगे तो ये दुगने अजर का बाइस बनेगा। एक अजर तो इस बात का कि तुमने सदका किया और दूसरा अजर इस बात का कि तुमने रिश्तेदारी का लिहाज रखा, रिश्तेदारी का ख्याल रखा। भाइयों, अपने माल खर्च करने के सिलसिले में अपनी ज़कात, अपने सदकात या अपने आम अतियात वगैरह देने, अल्लाह ने दिया अल्लाह के नाम पर देना चाहते हैं, आप अपने खानदान को देखो, अपने घर बार को देखो, अपने अतराफ अकनाफ के जो रिश्तेदार हैं उनको देखो और उन पर सबसे पहले खर्च करने की फिक्र करो। सुभान अल्लाह, मैं ये बात कहना चाहूंगा, कितने ऐसे साहिब सरवत हमारे समाज में हैं, वो किसी भी ऐसे मुकाम पे जो कोई कौमी किस्म का काम हो रहा हो, बड़ा काम बस्ती का मोहल्ले का, वहां पर चढ़कर पैसा देते हैं और वही अपने कराबतदारों को देना है, गिन गिन के देते हैं, चुन चुन के देते हैं, ये अंदाज सही नहीं। इस्लाम ये कहता है कि पहले अपने कराबतदारों पे मेहनत करो फिर उसके बाद सब दोगे तो क्या होगा, कराबतदारों की बेनियाजी समाज को सबसे पहले सुधारेगी, बाकी जो बड़े काम हैं अल्लाह ताला खुद ब खुद उसके लिए रास्ते खोलेंगे। जब समाज में बेनियाजी पैदा होगी वही बेनियाज समाज अपनी जरूरतों के लिए खुद कफील बनता चला जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अदब भी हम और आपको सिखलाया। भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च करने के सिलसिले में जो अदब सिखाया है उनमें से एक अहम अदब यह है कि हमेशा कमियत को ना देखा करो, कैफियत पर नजर ज्यादा रखा करो। तादाद ज्यादा होनी चाहिए, मिकदार ज्यादा होनी चाहिए, नंबर ज्यादा होना चाहिए, इसकी फिक्र ज्यादा ना करो। अल्लाह ने जितना दिया है खूब दो, लेकिन जो देते हो उसे ऐसी कैफियत के साथ दो कि अल्लाह ताला उसे सीधे कबूल फरमा ले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आप पढ़ेंगे, जंगे तबूक के मौके पर आपको हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने 400 ऊंट पूरे के पूरे साजो सामान से लदे हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिए। अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपना पूरा घर लाके दे दिया, हजरत उबर ने अपना आधा घर साजो सामान लाकर दे दिया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सहाबा में से एक सहाबी ऐसे भी थे कि देने के लिए कुछ नहीं था, सुबह से शाम तक खेत में मेहनत की, एक खेत में खजूर के एक बाग में मेहनत की और मेहनत करने के बाद एक मुट्ठी खजूर जो उनको दी गई वही लाकर अल्लाह के नबी के सामने रख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वो पेश किया, मुनाफिकीन ने मजाक उड़ाया, कहा ऐसा लगता है इनकी इसी मुट्ठी भर खजूर से हम जंग जीतने जाएंगे, ऐसा लगता है इनका माल नहीं आता तो शायद हमारे लिए कुछ कमी हो जाती। अल्लाह ताला ने उन मुनाफिकों को डांटा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इतने एहतमाम के साथ लिया कि साजो सामान का जो ढेर जमा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुट्ठी भर खजूर को उसके सबसे ऊपर रखकर अल्लाह के नबी ने फैला दिया, ये बताने के लिए कि जिस जज्बे और कैफियत के साथ इस बंदे ने एक मुट्ठी खजूर ही सही लाकर दिया है अल्लाह की नजर में उसका मुकाम बहुत ज्यादा ऊंचा। भाइयों, अपने माल के अंदर कैफियत पर तवज्जो दो, जो करते हो ऐसी कैफियत के साथ दो कि जो कैफियत अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाए, दुनिया देखे ना देखे, दुनिया को पता चले ना चले, दुनिया तारीफ करे ना करे, कोई परवाह नहीं। और यह कदम इसी से मिला हुआ यह भी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका व खैरात छुपा कर देने की बड़ी वसीलत बयान फरमाई। जो आप देते हैं
कोशिश कीजिए जहां तक हो सके छुपा कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के ताए तले जिन लोगों को रोज़े क़ियामत जगह मिलेगी उनमें से एक खुशकिस्मत एक वो भी होगा जिसने अल्लाह ताला की राह में माल खर्च किया और कुछ इस अंदाज से खर्च किया कि एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को खबर ना हुई, खुद दिया तो दूसरे को पता ना चला वाली बात नहीं कही अल्लाह के नबी ने, कहा ऐसे खर्च किया इतना छुपा कर किया कि एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता ना चला कि उसने क्या दिया है कितना दिया है। मेरे भाइयों हमारी और आपकी जिंदगी में सदका और खैरात के सिलसिले में यह कैफियत आनी चाहिए कि छुपा कर दे नजर बचा कर दे। इसमें कई फायदे हैं, एक तो हमारे इखलास की हिफाजत हो जाएगी और दूसरे नंबर पे बड़ा फायदा यह होगा कि लेने वाले आदमी को शर्मिंदगी नहीं होगी, लेने वाले आदमी को शर्मिंदगी नहीं होगी। माफ करें आज मैं ये बात बड़े जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रखता हूं, आज हमारे अपनी मुख्तलिफ मसाजिद के जरिए या हमारे मुख्तलिफ मकातिब के जरिए मुख्तलिफ मुकामात से मुख्तलिफ किस्म के सदकात और खैरात रमजान के मौके पर बांटे जाते हैं। वो मुसलमान मर्द वो मुसलमान औरतें जो जरूरतमंद हैं वो दरवाजों पे खड़ी हुई हैं, उनके चेहरे का पानी उतर चुका होता है, उनको जमाने के सामने शर्मिंदगी उठाते हुए सही आपके दरवाजे तक आकर खड़े होकर लेना पड़ता है। छुपा कर अगर आप देंगे उनकी इज्जत नफ्स बच जाएगी, और अगर आपने ऐसा नहीं किया एक मरतबा आपने उनकी इज्जत नफ्स छीन ली फिर वो इतने बेहया हो जाएंगे कि सड़क में नंग धड़ंग आराम से मांगते फिरेंगे, किसी की उनको कोई परवाह नहीं होगी। आज ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं अगर हमने तलाश कर करके अपने खानदानों में दिया होता, अगर छुपा छुपा कर जरूरतमंदों तक पहुंचाया होता, अगर बिन मांगे ही उनकी जरूरतों को पूरा किया होता, शायद मांगने वालों की इतनी तादाद हमारे समाज में ना होती जो आज सड़कों पर आपको नजर आती है। शर्म से सर झुक जाता है जब हमारी अपनी माएं बुरका ओढ़े हुए हर गली नुक्कड़ पर रमजान में चक्कर लगाती नजर आती। भाइयों हमारी यही गलतियां हैं जो इस किस्म की बुराइयों को जन्म दे रही हैं। माल छुपाकर अल्लाह की राह में खर्च करो। यकीनन इस्लामी शरीयत में एक अदब यह भी है कि बसा औकात कुछ मखसूस हालात में दिखाकर देने की भी फजीलत। वो मुकाम कब है जब आपके देने की वजह से सामने वाले आदमी की तरगीब मिलने का इम्कान हो, आपको देखकर सामने वाला भी बढ़ चढ़ कर दे सकता हो तब आप दें, लेकिन हमेशा का मामूल ये नहीं होना चाहिए। असल यही है कि माल छुपा कर खर्च करें। और एक अगला अदब आपके सामने ये भी मैं आपके सामने जिक्र कर दूं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मातुल मोमिनीन में से बाज उम्मुल मोमिनीन से खिताब करते हुए कहा ला तुहसी फयुहसी अल्लाहु अलैक ला तुकी फयुकी अल्लाहु अलैक। खर्च करने के सिलसिले में जकात का तो निसाब तय है, कितने माल में से कितनी जकात निकालनी चाहिए वो ठीक ठीक हिसाब करके निकालो, लेकिन उससे हटकर आम सदकात और खैरात जो करते हो इन सदकात और खैरात के सिलसिले में इस बात का ख्याल रखो गिन गिन के खर्च ना किया करो। हमारा अपना साबिका कुछ ऐसे लोगों से पढ़ा जिन्होंने यह तय कर लिया था कि नहीं अब की बार इस रमजान में मैं 5000 रुपया सदका करूंगा, आम सदका तय पहले से कि मैं 5000 रुपये तक सदका करूंगा, 10000 रुपये सदका करूंगा। अल्लाह के नबी अदब सिखाते हैं ला तुहसी गिन गिन के ना रखा करो, गिन गिन के ना दिया करो, अल्लाह ताला भी गिन गिन के देने पर आ जाएगा। ला तू की फयू की अल्लाह अलैक बांध बांध के ना रखो, इतना रखूंगा इतना दूंगा, अल्लाह ताला भी फिर बांध बांध कर देंगे तुम्हें भी। अल्लाह इस्लामी शरीयत ये कहती है आपके सामने जरूरतमंद आ रहा है देते जाइए जितना हो सके, नहीं है मत दीजिए। अगर आप देते देते 10 रमजान तक खत्म हो गए कह दीजिए नहीं है कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये हिसाब रखना कि रमजान में इतना और इतना खर्च करूंगा इस्लामी शरीयत के आदाब के खिलाफ है जो हम और आप करते हैं। और भाइयों एक बड़ा ही अहम अदब आपके सामने ये भी सिखाऊं, इस्लामी शरीयत मुझको और आपको ये कहती है कि जो माल अल्लाह ताला की राह में हम और आप खर्च करते हैं खर्च करने के बाद कभी एहसान जतला कर या लोगों के सामने उसका तज़किरा करके बुरा भला कहकर उसे बातिल ना किया करो। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अदा, अल्लाह के ईमान वालों तुम अपने सदकात को बातिल मत कर लो, मन एहसान जतलाकर बातिल मत करो, एहसान जतलाकर तुम अपने सदकात को बातिल मत करो, वल अदा और तकलीफ दे बात करके तुम उसे बातिल मत करो। मन क्या है, आप दे दें लेकिन देने के बाद जतलाएं चाहे उस पर ही जतलाएं
उससे आप बाद में मौका ब मौका कहते रहे, मैंने दिया है तो तुम्हारे जिस्म पे कपड़ा है, मैंने खिलाया है तो तुम्हारे मुंह में निवाला है, मेरे वजह से तुम आज चलते फिरते नजर आ रहे हो, ये जतलाने वाली बात। या फिर अल अदा की तफसीर में बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि माल देने के बाद एक आदमी को आप समझे अब वो मेरा गुलाम हो चुका, माल देने के बाद आप समझे अब वो मेरा नौकर हो चुका। ये दोनों की दोनों चीजें ऐसी हैं जो आपके सदके को बातिल कर देती। ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नी वल अज़ा, तुम अपने सदकात को एहसान जतला कर और लोगों को तकलीफ देकर बातिल मत करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन किस्म के लोग ऐसे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, उनका तज़किया भी नहीं फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला की नजर रहमत गोया उन पर होगी ही नहीं। वो कौन तीन किस्म के लोग हैं? काल मुस्बिर, वो मर्द जो अपना कपड़ा टखने से नीचे लटका के रहता है, और दूसरे नंबर पे कहा वो आदमी जो सदका करने के बाद लोगों पे एहसान जतलाता, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी तरफ देखेंगे तक नहीं। और तीसरे नंबर पे फरमाया सामान बेचने के लिए तिजारत के वक्त, व्यापार के वक्त झूठी कसम खाकर अपना सामान जो बेचता है, ऐसे आदमी की तरफ अल्लाह ताला देखेंगे तक नहीं। भाइयों अपने माल की हिफाजत करो। अल्लाह ताला ने आगे मिसाल देकर बयान फरमाया वो आदमी जो सदका देने के बाद जाये कर लेता है, उस आदमी का सदका उस काफिर जैसा सदका है जिसका आखिरत पर ईमान ही नहीं, उसका आखिरत पर ईमान ही नहीं, तो वो जो भी करेगा दुनिया के लिए करेगा। तुमने अगर एहसान जतलाया तो गया, तुम्हारा भी आखिरत पे ईमान नहीं, आखिरत में अजर की कोई तुम्हें उम्मीद नहीं, तुम दुनिया ही में एहसान जतला कर उसे खत्म कर देना चाहते हो। मिसाल देकर अल्लाह ने आगे फरमाया कि तुम्हारे सदके की मिसाल ऐसी है जैसे कोई साफ और शफाफ या एक चट्टान है, उस पर थोड़ी सी मिट्टी है, जोरदार बारिश अगर होती है तो बारिश उस मिट्टी को ऐसे बहा ले जाती है पता भी नहीं चलता कि वो मिट्टी कहां चली गई। तुम्हारा सदका वही मिट्टी है जो एक बहुत बड़ी चट्टान पर रखा हुआ है, और तुम्हारा एहसान जतलाना, तुम्हारा अपनी जबान से लोगों को तकलीफ देना, ये वो बारिश है जो तुम्हारे सदके को ऐसे बहा ले जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा सदका कहां चला गया। भाइयों अपने आप को इन तमाम खराबियों से बचाने की कोशिश करो, और साथ में इस बात का भी लिहाज रखो अल्लाह तबारक व तआला को सिर्फ पाकीज़ा माल ही पसंद है, अल्लाह ताला को हलाल माल ही पसंद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह तय्यिबुल ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह ताला पाक हैं और सिर्फ पाकीज़ा माल ही कबूल फरमाते हैं। इसलिए हलाल माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करने की कोशिश करो, हलाल माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करो, जो हराम माल नाजायज माल है वह माल आपका ही नहीं, गलत तरीके से कमाया हुआ माल आपका माल है ही नहीं, तो आप खर्च कर देंगे आदमी का तो भला हो जाएगा लेकिन वो माल आपके लिए सवाबे जारिया नहीं बन पाएगा। इसलिए कि इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह ताला पाक हैं, सिर्फ पाक माल ही कबूल फरमाते हैं। भाइयों ये कदब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी सिखलाया, कुरान में अल्लाह ताला ने सिखलाया कि माल जब खर्च करते हो, आमतौर पर हमारे यहां एक रिवाज है कपड़ा पुराना हो गया किसी गरीब को दे दो, खाना अगर बच गया खाने के घर वालों की जरूरत के बाद किसी गरीब के घर तक पहुंचा दो। अल्लाह ने फरमाया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम्हें नेकी उस वक्त तक नहीं मिलेगी। मुफस्सिरीन ने कहा जन्नत उस वक्त तक नहीं मिलेगी, बाद मुफस्सिरीन ने कहा नेकी का कमाल उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक के उस माल में से खर्च करो जिस माल की मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर पाई जाती है। तुम्हारे दिल के अंदर जिस माल की मोहब्बत पाई जाती है वो माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करो तो तुम्हारा कमाल है। मतलब क्या, अगर पुराने कपड़े देते हो गलत नहीं, दो दे सकते हो, लेने वाला अगर लेकर पहनता कोई अरज नहीं, लेकिन हमेशा पुराना कपड़ा ही क्यों, कभी कुछ नया कपड़ा भी किसी गरीब को पहनाया करो, हमेशा घर का बचा कुचा पकवान ही क्यों, कभी अच्छा बनाकर भी जरूरतमंदों को खिलाया करो, दोनों किस्म की इबादतें किया करो, हमेशा वो माल जो तुम्हारी जरूरत का नहीं वही अल्लाह की राह में जाएगा, तो फिर जो माल तुम्हारा पसंदीदा है उसे कब अल्लाह ताला की राह में खर्च करोगे। भाइयों इन तमाम बातों से बढ़कर आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये कि जो भी माल हम खर्च करें वो खालिस अल्लाह तबारक व तआला की रजा और खुशनुदी के लिए हो, इखलास मेरी और आपके माल खर्च करने की बुनियाद हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रिवायत में फरमाया हजरत अबू हुरैरा रضي الله تعالى عنه रावी कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया तीन किस्म के लोग हैं जिनको सबसे पहले जहन्नम में झोंका जाएगा, या अल्लाह के नबी ने कहा जिनसे आग बहकाई भड़काई जाएगी, जहन्नम की आग दहकाई जाएगी तीन किस्म के लोगों के जरिए,
उनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शहीद का और एक हामिले कुरान कुरान वाले आलिम दीन का जिक्र किया और तीसरे का तज़किरा किया, वो आदमी जिसने अल्लाह ताला की राह में माल खर्च किया, सब तरफ दाएं दिया बाएं दिया आगे दिया हर तरफ दिया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे बुलाएंगे, पूछेंगे कि अल्लाह के बंदे मैंने माल दिया था तूने क्या किया था? वो कहेगा अल्लाह ताला तूने जो माल दिया जहां भी रास्ता नजर आया बेदरेग मैंने खर्च किया, दाएं दिया बाएं दिया इस तरफ दिया उस तरफ दिया खूब अल्लाह तेरी राह में खर्च किया। अल्लाह ताला कहेंगे कदब था तू झूठा, अल्लाह कहेंगे तू झूठा, तूने तो इसलिए सखावत की ताकि दुनिया तुझे कहे सखी है और तुझे दुनिया में सखी कह दिया गया, आज तेरे लिए यहां मेरे पास कोई बदला नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर उसके बारे में हुक्म दिया जाएगा उसे घसीट कर ले जाकर जहन्नम के अंदर झोंक दिया जाएगा। अपने माल को इखलास पर खालिस अल्लाह ताला के रजा और खुशनुदी के जज्बे पर मगनी रहकर खर्च करने की आदत डालें। भाइयों ये कुछ बातें कुछ हिदायत थी अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने के सिलसिले में जो इस्लामी शरीयत मुझको और आपको सिखाती है। मकसद इनके बयान करने का यह है कि ये माली इबादत बड़ी अजीम इबादत है और रमजान के इस महीने में हम करते आए हैं और आखिरी दिनों में बचे कुछ दिनों में और भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो इन तालीमात को हमेशा याद रखें, रमजान हो कि गैर रमजान हो, हमारा छोटा सदका हो या बहुत बड़ा सदका हो, वाजिबी जकात हो या आम अतियात हो, अपने घर वालों पे खर्च करते हो या समाज के मोहताजों और फकीरों पे खर्च करते हो, माल जब भी अल्लाह की राह में निकले इस्लामी शरीयत के इन आदाब इन तालीमात की पाबंदी के साथ निकले। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप सभी हजरात और ख्वातीन को जो बातें कही सुनी गई हैं कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिए हुए मालों को कबूल फरमाए, उनमें जो खोट है अल्लाह ताला उनको दरगुजर फरमा दे, अपने फजल खास से सारे हमारे सदकात को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उसकी राह में खर्च करने वाला हमेशा बना कर रखे। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। माह रमजान में अल्लाह ताला जिनकी मगफिरत फरमा रहे हैं हम सबको उनमें शामिल फरमाए, रमजान की तमाम इबादतों को कबूल फरमाए, आलम इस्लाम के जितने मुसलमानों के मसाइल हैं अल्लाह ताला सबको हल फरमाए, उम्मत पे रहम फरमाए, इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला इज्जत की जिंदगी नसीब फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला जान और माल इज्जत और आबरू हर चीज की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम और आपके दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारी अगली नस्लों के दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपना बंदा बनाकर दुनिया में बाकी रखे, अपने नबी का सच्चा उम्मती बनाकर दुनिया में बाकी रखे और जब अपने पास बुलाए तो हम अल्लाह ताला के महबूब बनकर जाएं। अल्लाह ताला हमारी हर दुआ को कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.